ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वह है हड़प्पा, इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और किसने की थी? दोस्तों दयाराम साने ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साने ने की थी 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्तकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सहीवाल जिले में स्थित है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पद्धति। दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, फिलहाल उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? यानी एक स्त्री नृत्य करते हुए जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो दोस्तों ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। दोस्तों कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी यानी कहाँ तक फैली हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा में घोड़े के जो अवशेष है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली चूड़िया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो मिला है। दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है? दोस्तों ये मिला है कालीबंगा, कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैलखड़ी। दोस्तों सैलखड़ी पदार्थ का जो उपयोग है हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। दोस्तों व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है वो किस प्रकार के निवासी थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर है वो किससे बनाए जाते थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। दोस्तों कपास के उत्पादन में सिंधुवासी यानी हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, दोस्तों लोथल और सुतकोतदा ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, ये खोज है कहाँ पर हुई, तो दोस्तों ये खोज हुई थी लोथल में, दोस्तों लोथल में खोज हुई कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था हड़प्पाकालीन समाज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम क्या है यानी प्रचलित नाम क्या है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक डॉट पद्धति थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी पद्धति थी, यानी इसको सेंटेंस को पूरा कैसे करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक उचित समतावादी पद्धति थी। अगला प्रश्न है, सिंध का नकलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, तो दोस्तों सिंध का नकलिस्तान यानी बाघ मोहनजोदड़ो को कहा गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजा आकार का था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद विशाल स्नानघर जो है कहाँ पाया गया, दोस्तों ये पाया गया मोहनजोदड़ो में, दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर है वो पाया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो दोस्तों आग शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, तो दोस्तों सिंधुगढ़ सभ्यता में जो मोहरें मिली है उस पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का चित्र है वो उत्कीर्ण हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो ये हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है, सिंधु सभ्यता के नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये राइट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी राइट है। वहाँ पर मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी राइट है, यानी ए बी सी ये तो राइट है, और असत्य हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो दोस्तों ये कहाँ पर चला है, तो दोस्तों ये पता चला है धोलावीरा में, दोस्तों धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, दोस्तों मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, दोस्तों कौन थे, सर जॉन मार्शल, दोस्तों सर जॉन मार्शल ये थे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। अगला प्रश्न है,
किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैल। दोस्तों बैल की आकृति मिली है, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। दोस्तों विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पशुओं में किस एक पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। दोस्तों शेर का जो अंकन है वो किसी भी मोहर या फिर टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। दोस्तों हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस स्थल से युगल समाधान यानी देशव संस्कार का जो प्रमाण है वो मिला है? तो दोस्तों ये मिला है लोथल से। दोस्तों लोथल से मिला है युगल समाधान यानी देशव संस्कार का प्रमाण। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों कपास को ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी हड़प्पा के समय का जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आग शिव मोहर में किन किन जानवरों का जो अंकन है वो हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों बाघ और हाथी, गेंडा और भैंस और हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है? दोस्तों मोहनजोदड़ो से पुजारी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं चोहुंदड़ो। दोस्तों चोहुंदड़ो स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के जो निशान हैं वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? दोस्तों ये मिला है लोथल से। दोस्तों लोथल स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज है वो किस प्रांत में हुई? तो दोस्तों ये हुई गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की जो प्राप्ति है वो नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की जो प्राप्ति है वो नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के रिकॉर्डों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया था? महलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अग्निकुंड यानी अग्नि के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों लोथल और कालीबंगा, यहाँ से अग्नि के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों दो प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी? और दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।